दोस्तों, कुछ लोग मुझ पर एंग्री होंगे, कुछ लोग मुझ पर गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप लोगों के सामने अच्छा नहीं रहना, मेरे लिए परमेश्वर ज़रूरी है। कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। किसी भी आर्टिस्ट ने या किसी भी लोगों ने क्या आपके लिए रोया है? मैं रोई हूँ। क्या कोई आपके पापों के लिए क्षमा मांग रहा है? मैं मांग रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने कंट्री से प्यार करती हूँ, अपने लोगों से प्यार करती हूँ। परमेश्वर ने कहा है पहला, दूसरा, अपने से तो हर इंसान प्यार करता है, दूसरे से प्यार करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। तो मुझे आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दो, जितना आपके अंदर जहर है सब उगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है और मैं आपके लिए हमेशा दुआ मांगती रहूँगी। ये देखिए, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, दुआएं मांग रही हूँ। चमत्कारी किताबें जो परमेश्वर की तरफ से है, ये आराधना, जो हुक्म मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं वही करूँगी। मुझे जाके सच्चाई फैलानी है, जाके बताना है कि आसमान में एक खुदा है जो जो हम हमको सांसें दिया है, हमारा दिल धड़काया है, हमें पैदा किया है, हमें उसके सामने सर झुकाना है, घुटने टेकने हैं। ठीक है, मैं इसलिए सबको मैसेज दे रही हूँ। मैं पता नहीं आज रहूँ कल ना रहूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मरने के बाद मुझे परमेश्वर के सामने जाना है। परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरा वचन सब में बांटेगा, अगर तो उससे वो लोग बचाए जाएंगे। क्योंकि नरक बहुत बुरा है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, नरक बहुत बुरा है, नरक बहुत बुरा है, और मैं आप सबको स्वर्ग में लेके जाना चाहती हूँ। कोई ये नहीं करता, सब लोग कहते, सब लोग प्यार से बात कर रहे, मैं नहीं करूँगी। मैं परमेश्वर के वचन बांटूंगी और मैं आप सबको स्वर्ग में लेके जाना चाहती हूँ, ना कि नरक में। और मैं लेकर जाऊंगी, मैं परमेश्वर के वचन बांटते रहूंगी सबको, जिसको जो कहना है कहे, मेरा परमेश्वर भला। मेरा थोड़ा नेचर अलग है, कभी मैं कॉमेडी करती हूँ, कभी ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दोस्तों, घर में इसलिए रहना है क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई नहीं निकली, ना इंजेक्शन, ना कुछ। इसराइल में कोशिश की थी, कोशिश कर रहे हैं जानवरों पर दवाई के लिए। इसलिए घर में रहो, बाहर जाओगे एक दूसरे की सांसें मिलेगी, कोरोना वायरस फैलेगा। ये या 4000 साल पहले प्लेग आया था, परमेश्वर ने भेजा था, लोग सुधर नहीं रहे थे, गंदे काम कर रहे थे, लड़के सेक्स, पता नहीं क्या, रेप, चोरी, डाका, क्या 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 कर रहे थे। अभी भी वहां पर सब कुछ यही हो रहा है। गंदगी मत करो, अच्छाई से जियो, परमेश्वर को प्रसन्न न करो। रोज पहले परमेश्वर को पहले दर्जे पर रखो, दूसरी सारी चीजें बाद में रखो। पहले पिता, फिर पति, फिर सब लोग, पहले परमेश्वर पिता। मैं सच कहती हूँ, परमेश्वर को फर्स्ट स्टेज पे रखो। Now buy Sheikh Chilli's official merchandise only on the Soul Store. Coffee mugs, cool and funky t-shirts. Use code TSSLOTPOT15 to get flat 15% off on Sheikh Chilli merchandises. Hurry up!